शाहजहांपुर से सनसनीखेज वारदात आई सामने। कोर्ट में वकील की गोली मारकर हत्या। रिकॉर्ड रूम में भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर की गई हत्या। दिल्ली में डेंगू से साल की पहली मौत। पिछले एक हफ्ते में 243 नए मामले आए सामने। रायबरेली में रेल रोको आंदोलन फेल। किसान को किया गया नजरबंद। उत्तराखंड में भारी बारिश। अमित शाह ने सीएम से की बात। तैयारियों के लिया जायजा। यूपी में बारिश ने बचाई तबाही। यूपी के कई जिलों में हुई भारी बारिश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। इसी को लेकर विधानसभा गोसाईगंज के तारुण में समीक्षा बैठक की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनका स्वागत विधानसभा गोसाईगंज से जनता दल यूनाइटेड पार्टी के भावी विधानसभा प्रत्याशी के चुनाव लड़ रहे मनोज वर्मा ने किया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खुद मुख्य अतिथि और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पूनम सिंह को फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी लोग अपना समाजवाद क्यों कर रहे हैं? समाजवाद है क्या उनके यहाँ? उनके यहाँ तो परिवारवाद है, जातवाद है, पूंजीवाद है। ये तो केवल नाम रख लेने से समाजवाद थोड़ा ही है। समाजवाद की विचारधारा को भी तो लेके चलना पड़ेगा। जैसा हमारे नेताजी में है, उनमें है समाजवाद। ना परिवारवाद है, ना धनवाद है, ना जातवाद है, उस सबको लेके चलना। असली देश में नेता है समाजवाद तो वो है, ये समाजवाद नेता थोड़ा ही। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज रेल रोको आंदोलन ये रायबरेली जिले में फेल होता दिखाई दिया। कई किसान नेताओं को कल रात से ही जिला प्रशासन ने घर में नजरबंद कर दिया है। रेलवे प्रशासन पर आज सुबह से ही तेज तर्रार सीओ सिटी महिपाल पाठक के नेतृत्व में शहर कोतवाली अतुल सिंह सहित कई थानों की फोर्स सहित पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च चल रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। जिला प्रशासन की मुस्तैदी से सभी ट्रेनों का आवाहन और आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। आरपी पुलिस, आरपीएफ पुलिस, हमारी थाने की पुलिस पर्याप्त मात्रा में पीएसी लगी हुई है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी अव्यवस्था नहीं है, सभी सुचारू रूप से चल रहा है। कोई भी किसान नेता अभी तक यहाँ पर रोकने के लिए आया नहीं। फिरोजाबाद में एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने एक दरोगा सहित तीन पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस वाले चारों चोरों और चोरी हुए रुपयों को लेकर एक्सकॉर्ट कर बॉर्डर पार कराया गया था। थाना रसूलपुर इलाके से एक डिलीवरी ऑटो से 1,10,000 निकालने की घटना सामने आई। ये घटना 15 अक्टूबर को हुई थी। राष्ट्रीय परशुराम परिषद उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी पहुंचा। नेता जिला पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जो ब्राह्मण के बालक मारे गए हैं, उनकी सभी तक रिपोर्ट भी अंकित नहीं अब हो पाई है, जबकि नकली किसानों ने उन्हें पीट पीट कर मार दिया है। पचोदिया हम वो ब्राह्मण हैं
जो ब्राह्मण सबको बनाता है, हमारा वैश्य, हमारा शूद्र, हमारा क्षत्रिय सब हमारा भाई है। उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो हम जाते हैं, उनके घर में अंतिम संस्कार होता है हम कराते हैं, तो ब्राह्मण की हत्या क्यों करा रहे हो? ऐसे गिरफ्तारी करो, फर्जी किसानों के नाम पर हमारे ब्राह्मण मार दिए गए, ऐसे को गिरफ्तार करो, अन्यथा हम लोग नहीं जाएंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें मुख्यमंत्री जी को मिले, हम बस ज्ञापन देने आए, हमारे निवेदन है। जनपद प्रतापगढ़ लालगंज कोतवाली में हुई घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि लालगंज कोतवाली के बाबूतारा गांव में शनिवार को आधी रात दबिश देने गई पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश तौफीक गंभीर रूप से घायल हो गया था। रास्ते में तौफीक की मौत हो गई थी। पत्नी का आरोप है कि भागते समय पुलिस ने तौफीक को पीछे से गोली मारी है। वहीं पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के दौरान दो सिपाहियों के पैर में भी गोली लग गई। रात को करीब 12 बज रहा था, यह सूजी वाली आया था, मतलब लालगंज की टीम भी थी, यही सब लोग हमारे आदमी को मतलब दौड़ाए थे, गोली वोली मार दिए थे, कुएं में मतलब गिर गए थे, रात की समय थी, जा नहीं पाए, मार दिए, उसके बाद उनको मारा जान के वहाँ कुएं में छोड़ के चले गए। एक लोग को साथ में लेके गए, उसके बाद करीबन आधा एक घंटा बाद फिर वो वापस आए, जो पकड़े थे उसको भी लेके आए, उसके बाद खुद को गोली मारे, एसओजी वाले और पुलिस भी साथ में आए थे, चार और गाड़ी आई थी, फिर उसके बाद चले गए गोली मार के, फिर आधा घंटा बाद आए, फिर चार गाड़ी आई थी, फिर चले गए, फिर दो गाड़ी आई थी, ऐसे ऐसे करके पूरी रात लगाए थे। सुबह 5 बजे तक भी पुलिस यहीं पे थी, फोटो वोटो खींच रहे थे, और घर पे किसी की नहीं आई थी, सिर्फ उन्हीं लोग को मारा जान के छोड़े थे, अरे मरा जान के मतलब वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। और मैंने इतना कुछ होने के बाद भी उन लोग को ना कुएं में बांस डाल के खोद खोद के मतलब चेक कर रहे थे। बुलंदशहर के मालागढ़ गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। वही पीड़ित पक्ष का आरोप है कि परिवार में घुसकर महिला और बुजुर्गों पर भी चाकू और धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें कि हमलावर पक्ष ने चौपाल के पास बने सार्वजनिक कमरे में धान डाल दी थी, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के 8 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। घटना में एक महिला, दो बुजुर्गों सहित परिवार के सभी 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल से मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर की कचहरी के अंदर तीसरी मंजिल पर जलालाबाद निवासी भूपेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद हो गया। हत्या का आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर बुलंदशहर से है, जहां अनाज मंडी गेट पर इकट्ठा होकर किसानों ने रोड को जाम किया। किसानों का आरोप है कि धान का सौदा तय होने के बाद अचानक हुई बारिश से व्यापारी मुकर गए हैं और अब व्यापारी बारिश के बीच बिके हुए धान को तुलवा नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि जहांगीराबाद स्थित अनाज मंडी के मेन गेट पर सैकड़ों किसान एकत्रित होकर लगातार खराब मौसम में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने में जुटे। वहीं किसान उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसान नेता सुनील चरौरा ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। किसान बहुत परेशान है, धान की खरीद नहीं हो रही है, बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा बहुत धान जो है वो भीग गया है, रजिस्टर में भी चढ़ गया है, एंट्री भी हो गई है। अब इनकी गलत बात है, लेकिन मंडी वालों ने अत्याचार कर रहे किसानों पर। अभी एडीएम साहब ने आदेश दिया है कि एसडीएम और मंडी सचिव मौके पर पहुंच रहे और उनका धान तोलेगा। सुबह 9 बजे रेट डिसाइड हुआ धान का 2,850, 2,900, 3,000 तक। 9 बजे के बाद 12 बजे तक तोल हुई, फड़ों पे किसानों का माल आ गया। उसके बाद 12 बजे जब बारिश आती है, बोरियों में माल पैक हो चुका था, कुछ आढ़त
कुछ माल जो है फड़ों पे पड़ा हुआ था। इतनी बारिश के बाद व्यापारियों ने कह दिया कि किसान यहाँ से अपने माल को उठा ले जाए और हम इस टोल को नहीं कर रहे, जबकि मंडी एक्ट में ये प्रावधान है कि मंडी में अगर माल बढ़ गया तो जब तक दाने दाने को कोई खरीद ना ले, या तो सरकार खरीदे या आड़ती खरीदे, और जो रेट डिसाइड हो गया उस रेट पे खरीदे। ये आपदा जो है ये आड़त की और सरकार की है, ना कि जनपद कानपुर देहात पुलिस को आज उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब भीड़ भाड़ सहित जनपद के कई हिस्सों से बाइकों की चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य पुलिस के हत्थे लगे। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 9 बाइकों की बरामदगी कर ली है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस को एक देसी तमंचा सहित 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस बारे में भूमिका की जांच की जाएगी। बंद पड़ी फैक्ट्री थी, वीरान थी, वहाँ कोई नहीं आता जाता था फिलहाल, और वहाँ से बरामद हुई है, वहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। उस बारे में छानबीन की जाएगी विवेचना के दौरान, मुझे विवेचना पे हर दिन पे हर पहलू पे उसकी छानबीन की जाएगी। पहले के आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इससे चूँकि 5 मुकदमे थाने पर पंजीकृत पहले से हैं, और जो अभी इस अभियोग और बरामदगी के बाद जो है अन्य संबंधित धाराओं में, तो इनके 5-6 मुकदमे पंजीकृत ये हैं, और पहले के जो मुकदमे हैं उसमें इनका नाम खुलेगा, तो लगभग 10 मुकदमों के क्रम में हिस्ट्री हो गई है। पूर्व के कोई सहारनपुर में लड़की की सगाई करके घर लौट रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से खाई में पलट गई, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों ने बताया कि हादसा थाना नुक्कड़ के पिलखनी के पास एक कार को बचाने के चक्कर में हुआ था। वहीं बता दें कि घटना देर शाम करीब 8:30 की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मॉनसून की विदाई के सप्ताह भर बाद अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया। आकाशीय बिजली और बारिश के कारण हादसे में 2 मासूम समेत 5 लोगों की जान चली गई है। जगह जगह पेड़ गिरने और जल भराव से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर तैयार हुए पश्चिमी विक्षोभ ने स्थानीय पूर्वा हवाओं का साथ पाकर और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों को भिगो दिया है। तो मौसम ने करवट बदली है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। आगरा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद सभी जगह जमकर बारिश हुई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद हो रही है। तो वहीं जल जमाव होने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरह से आगरा, औरैया, बिजनौर और मुरादाबाद में खेतों में पानी भर गया है, कटी फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, खेत जलमग्न हो गए हैं, कटी फसल खेतों में पड़ी थी जो कि सड़ने की कगार पर है और अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। वहीं लोगों की बात करें तो घरों के पास जल जमा होने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कई जगह पे पानी भर गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत स्लो नजर आ रहा है। तो मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया है और ये अचानक जो मौसम ने करवट बदली है ये काफी दिक्कतें पैदा कर रही है लोगों के लिए। तो मौसम ने करवट बदली है, आपको बता दें कि आगरा में तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से मजबूर दिखाई दे रहे हैं लोग, और औरैया में भी खेतों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, बिजनौर की तस्वीरें भी आपके सामने, एक फसल कटी पड़ी है खेतों में लेकिन पानी भरा होने की वजह से सब खराब होती नजर आ रही है। मुरादाबाद के खेतों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जलमग्न हो गए हैं खेत, सारी फसल खराब हो गई है। मानसून की विदाई के सप्ताह भर बाद अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया है। आकाशीय बिजली और बारिश के कारण हादसों में 2 मासूमों समेत 5 लोगों की जान भी चली गई है, यानी कि चौतरफा मार पड़ रही है लोगों को। जगह जगह पेड़ गिरने और जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली चली जा रही है जिसकी वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर तैयार हुए पश्चिमी विक्षोभ ने स्थानीय पूर्वा हवाओं के साथ पवाकर पूरे उत्तर प्रदेश को भिगो दिया है। और मुरादाबाद से हमारे साथ संवाददाता सलमान जुड़ चुके हैं।
सलमान, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मुरादाबाद से? आवाज आ रही है हमारा जी, हम आपको आवाज आ रही है सलमान? सलमान से अब हम आगरा से संवाददाता ममता के साथ जुड़ते हैं। ममता, जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और दो दिन से बारिश हो भी रही है लगातार, तो किस तरह की तस्वीरें देखनी पड़ रही है, खेतों के क्या हाल है आगरा में? जी बिल्कुल, मैं आप बता दूं कि जिस तरह से लगातार कल से जो बारिश हो रही है आगरा के अंदर, जिससे खेतों में जो किसानों की फसल है उसको पूरी तरह से नुकसान है, खेत लबालब भर गए हैं पानी से। और वहीं अगर बात की जाए जिस तरह आपदा की, तो वहीं ये बारिश की जो आपदा है, इससे एक जो किसान है उसके घर की छत पर जो आपदा बिजली गिरी है उससे भी काफी नुकसान हुआ है। इस तरह देखा जा रहा है लगातार बारिश से खेतों से लेकर मनुष्य को, सभी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी, आम लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ममता आगरा में? जी बिल्कुल, जिस तरह देखा जा रहा है कि जैसे लगातार कल से जो बारिश है उसको लेकर के सड़कें भी लबालब भरी हुई है, गलियों में पानी भर गया है। जिस तरह लोगों को रास्ते में निकलने में जो समस्या है उसको, इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोग निकलने से बमुश्किल वहाँ पानी से निकल पा रहे हैं। जिस तरह की कहीं सड़कों पे देखा जा रहा है कि गड्ढे भी बहुत है सड़कों में, तो कहीं इस तरह की कोई एक्सीडेंट, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना कारित हो जाए, इसको लेकर लोग बड़ा ही जरा सी बारिश के बाद ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ आगरा से ममता जुड़ी थी और अब हम रुख करते हैं मुरादाबाद से संवाददाता सलमान की ओर। सलमान, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है, लोगों की, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, क्या कहेंगे इस पे, कितना नुकसान हुआ है किसानों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे से काफी बारिश होने की वजह से किसानों को फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। हमारे किसानों से बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि धान पक चुका है, अब फसल काटनी बाकी थी, मगर ये पानी की वजह से धान को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है अभी। तो इससे इसकी खरीद पर कितना असर पड़ेगा? जो सारा फसल बर्बाद हो गई है तो किसान कर्ज में डूब जाएंगे, तो क्या किसी तरह की आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है किसानों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं फसल नष्ट होगी तो किसानों को आर्थिक नुकसान काफी झेलना पड़ेगा, मगर अभी प्रशासन के द्वारा कोई भी इस हानि के लिए अभी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, क्योंकि अभी अभी भी मुरादाबाद में बारिश पड़ रही है। शायद इस बारिश रुकने के बाद हानि का आकलन किया जाए और उसके बाद ही कुछ सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाए। सलमान, नगर निगम का काम कैसा देखने को मिल रहा है बारिश के वक्त, क्योंकि जल जमाव हो जाता है, तो क्या नगर निगम सक्रिय दिखा है? आम लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नगर निगम सिर्फ फोटो में और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। अगर हकीकत की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर नगर निगम कुछ भी नहीं कर रहा। जगह जगह पानी भरा है, नालों की सफाई ना होने की वजह से रोड भी जलमग्न है, जिससे यातायात भी बहुत प्रभावित हो रहा है। गली मोहल्ले तो छोटे हाईवे से भी पानी है और जो शहर के पोश इलाके हैं वहाँ पर काफी पानी भर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मुरादाबाद से सलमान जुड़े थे संवाददाता, तो जिन्होंने बताया है कि पानी हर तरफ भरा हुआ है, भी बारिश हो रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुपारी ग्राम पंचायत के उपगांव शाहीपुरा तवरिया के पास हमारे गाँव के बदन सिंह वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। रात में तेज बारिश, आकाशीय बिजली के कारण उनकी पत्नी गुड्डी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, साथ में दो बच्चियां हैं कुंती देवी और चांदनी, जिनके ऊपर काफ़ी टीन सेट के पत्थर और वो गिरे जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई हैं। और हम लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दिलाई जाए। ये कल से बारिश शुरू हो कल रात से, और इस बारिश में इसमें तबाही मचा दी, जो हमारी कटी फसल थी वो भी बर्बाद हो गई, गड्ढे गड्ढे पानी खेत में भर गया है। आप लोगों को नाम नहीं ले रही बारिश, हमारी लागत लेकिन लगाई बेकार गई बिल्कुल। हमों कोई किसी तरह का भी कुछ भी हो दिखाई दे रहा था, बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी? बारिश भैया दो तीन घंटे हो गए लगातार, देखो
अच्छा, ये धान की फसल थी साथ, धान खराब हो गए, धान कटे पड़े, झाड़ रहे थे साथ, पुले उले सब बह गए, पानी कितना पड़ गया। बीघे अलावा 2 एकड़ है, किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना भैया, रोजगार ना, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, अपना मजदूरी वजूरी कर लेते हैं कहीं। अच्छा, किस तरीके से ये नुकसान हुआ है धान की फसल को? ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। कैसे? आंधी और पानी से। क्या हुआ? गिरियो है, बिल्कुल खत्म है। क्या धान? कुंवरपाल, कहाँ के रहने वाले? पुरवाताल। बारिश हुई है और जो है इस समय जो है आपकी धान की फसल को क्या नुकसान हुआ है? सब बारिश होने से, तूफान आने से सब धान गिर गए हैं, बहुत ही नुकसान है, सारी पटभड़ी धान गिर गई है, पानी भरो तो नुकसान ही है धान में सब। कहाँ के रहने वाले? इंदिरा प्रवाह। कितनी आपने खेती की थी? खेती 8 बीघा। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 90%। किस तरीके से हुआ है? बारिश की आंधी प्रदेश है। कब हुआ ये? आज रात में शाम को 5-4 बजे बारिश बराबर हो रही। लखनऊ के फीनिक्स प्लासियो मॉल में डब्ल्यू के लाइफ स्टोर का बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला ने शुभारंभ किया। ये कंपनी का 16वां स्टोर है जो इस मॉल में है। बता दें कि लंदन से जुड़ी जेड ब्रांड कंपनी डब्ल्यू के लाइफ अब तक देश में 15 स्टोर खोल चुकी है। कंपनी के मालिक गौरव और रोहित ने बताया कि कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है और कंपनी के पास समाज के हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट है और उनके प्रोडक्ट को लोगों की तरफ से बहुत पसंद भी किया जा रहा है, जिसके बाद ये 16वां स्टोर खोला गया है। जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, मोहाली, हम बहुत जगह स्प्रेड है, हम 100+ फ्रेंचाइजीज इंडिया में क्लोज कर चुके हैं। हम आने वाले 2 साल में 200 स्टोर का टारगेट लेके चल रहे हैं। इंडिया में हर कोने पे ये प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आ सकते नहीं, उनको हर कोने में हर घर तक पहुँचाएंगे। क्या डिफरेंट प्रोडक्ट हैं अन्य प्रोडक्ट? हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है पूरे आज के मिलेनियल के लिए डिज़ाइन की गई है, जो आज के मिलेनियल कपड़ों के सिवा जो भी नीड होती है, कि अगर आज के मिलेनियल पेरेंट भी है, उनके बच्चों के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल टॉयज, आपकी मोबाइल एक्सेसरीज, आपका हैंड बैग, आपके आप ऑफिस जा रहे हैं आपके ऑफिस के लिए अमेजिंग लंच बॉक्सेज, आपके बैग्स, हर स्मॉल चीज़ जो आज की जनरेशन को नीड है, यू नो, वो हम आपके लेके आते हैं एंड विद 1 ईयर स्ट्रेट गारंटी। हर प्रोडक्ट इतना हाई क्वालिटी से बनाया गया कि हम उस पर कॉन्फिडेंट रखते हैं 1 साल की गारंटी देने का। मुझे ये बताइए कि जो आपके प्रोडक्ट हैं ये कैसे हैं? ये प्रीमियम जो बर्तन उनके लिए रहेंगे कि ये सबके लिए रहेंगे? मैंने आपको जैसे बोला, ये मास्टर्स के लिए है। हमारे हर प्रोडक्ट रेंज में हर रेंज का प्रोडक्ट है। हमारी एक केबल हमारे यहाँ पे स्टोर में 200 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक का प्रोडक्ट है। सो हम मास्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो हमें वी नॉट टारगेटिंग ओनली लग्जरी मार्केट, बट येस आवर प्रोडक्ट्स कम विद अ वेरी अप मार्केट फील, उसमें काफ़ी अप मार्केट फील है। 16वां स्टोर आप यहाँ ओपन कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी काफ़ी क्लोज हो चुकी हैं, पिछले 15 आपके स्टोर खुले हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखो, हम बड़े से बड़ा स्टोर बनाए जा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स खुद ही बोलने की बात है। हम कंपेयर टू मेनी ब्रांड, हम अब पर स्क्वेयर फुटेज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोर है और हमें इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यूपी से तो बहुत अच्छा मिला है, तभी हमने डबल द साइज स्टोर बना दिया है इस मॉल में, वो भी बहुत बड़े प्रीमियम मॉल में। इससे पहले हमारा 1 अवध में छोटा स्टोर था जो हमने 2 साल पहले खोला था और कोरोना के बाद हमने कहा यार ये टाइम मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू टेक द स्टोर इन अ बिगर वे, तो हमने अब ये डबल द साइज स्टोर खोल दिया। लखनऊ में और कितने स्टोर खोलने की? हम 4 स्टोर और खोलने का प्लान कर रहे हैं 1 साल के अंदर। ईको फ्रेंडली किस टाइप के प्रोडक्ट बनाए हैं आप? डेफिनेटली प्रोडक्ट सारे ईको फ्रेंडली हैं, प्रोडक्ट रिसाइकल हैं, हमारा स्टेनलेस स्टील क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 304 ग्रेड पे हम काम कर रहे हैं और क्वालिटी एश्योरेंस हम इतनी दे रहे हैं कि तभी 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी हम हर चीज़ पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आने वाले समय में हम 30% से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन इंडिया में मैनुफैक्चर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में मैनुफैक्चरिंग का, और बाई दिसंबर ऑनवर्ड्स हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।